Next question पर move करते हैं। The increasing order of basicity of the following compound is। तो आपके पास compounds हैं। NH2, यहाँ पर A है, उसके बाद NH2, ये B, उसके बाद NH2, ये C, and then we have this one. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जेई वाले लोन पेयर्स नहीं दिखाते, क्योंकि कंप्यूटर से लोन पेयर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं लोन पेयर्स दिखा देता हूं। और आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड बेसिक सबसे ज्यादा है, यानी आपको इनकी बेसिक सिटी का ऑर्डर लगाना है। देखिए, अगर आप चारों में देखेंगे तो यहां पे इस NH2 का इस NH2 पे प्लस एम लग रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव रहे, जहां प्लस एम लग रहा है वहां पे बेसिक सिटी सबसे ज्यादा रहेगी, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक आपका सी रहेगा। उसके बाद हमको ए बी और डी पे कंपेयर करना है। तो देखिए, ये वाला जो नाइट्रोजन है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये नाइट्रोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। पता होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। तो देखिएगा, ये भी है और ये भी है, ये तो सबसे कम रहेगा। अगर इन दोनों में हमको कंपेयर करना है गाइस, तो देखिए यहां पे डबल बॉन्ड का माइनस आया है, सॉरी, इसलिए इन दोनों की तुलना में डी ज्यादा बेसिक रहेगा और ए कम बेसिक रहेगा। उसके बाद कौन आएगा आपका, बी। उसके बाद ऑब्वियसली ए आने वाला है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बाद ए और उसके बाद आपका बोलो कौन सा, तो ऑप्शन रहेगा सी डी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Next question, glucose on prolonged eating with HIUs. Glucose on prolonged eating with HIUs. Simple है, glucose का सच्चा आना चाहिए आपको, chew, उसके बाद left, right, left, left, और यहाँ पे CH2OH, OH, 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 ये हो गया C6H12O6, ये आपका glucose. राइट, 1 2 3 4 5 6, और इसको आपने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाना है। याद रखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, इसलिए बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अल्टीमेटली सब को रिड्यूस कर देगा। अल्कोहल्स को भी CH2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे और आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी CH2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे, इसलिए आपको मिलेगा यहां पे NH2। 1 2 3 4 5 6 आपको मिलेगा NH2। ये आपके एनसीईआरटी में दी गई रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए। That is option number 4. Next question is, phenol reacts with methyl chloroformate in presence of sodium hydroxide to form a product A. A reacts with Br2 to form product B. A and Br respectively. Simple as phenol reacts with मिथाइल फॉर्मेट, तो H फ्लोर क्या है, मिथाइल क्लोरो फॉर्मेट, Cl C डबल बॉन्ड O O C S T, तो मिथाइल क्लोरो फॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म प्रोडक्ट A। तो यहां पे आपका A मिल रहा है, एंड देन अगेन A रिएक्ट्स विद Br2, A रिएक्ट्स विद Br2 टू फॉर्म B, A and B respectively। तो बहुत सिंपल, देखिए पहले देखिए होगा क्या, ये जो आपका फिनोल है इनमें और सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपकी एसिड बेस रिएक्शन होगी। बहुत सिंपल, यहां पे यहां से आएगा, यहां से यहां पे जाएगा, तो आपका बनेगा ये। मैं मैकेनिज्म के साथ बताना चाहता हूं, मैं सादा सीधा सीधे सॉल्यूशन लिख सकता हूं, लेकिन थोड़ा मैकेनिज्म में मजा आएगा। तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और H2O बाहर निकलेगा, सोडियम फिनोक्साइड रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरो ओ सी एस थ्री से,
राइट। तो आपका दिस इज क्लोरोफॉर्मेट, और जैसे मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट जैसे हमने एक एस्पिरिन बनाई थी, आप देख लीजिए इसका वीडियो पार्ट 1 देखिए, उससे रिएक्शन होगी, ये यहां से यहां पे जाएगा और यहां से यहां पे जाएगा, तो सिंपल है, ये ऐसा होएगा, देखिए O यहां पे लगेगा C, सो भी O माइनस ऊपर जा रहा है, ये आपका क्लोरीन, ये आपका OCS3 और यहां पे क्लोरीन, सिंपल है ना। और उसके बाद देखिए ये O माइनस यहां से यहां पे जाएगा और ये निकल जाएगा इससे, आपका बनेगा दिस इज O, दिस इज योर O, C डबल बॉन्ड O, OCS3, ये Cl निकला, ये है बाकी, यहां पे आपका माइनस ऑफ NaCl, माइनस ऑफ NaCl, देखा माइनस ऑफ NaCl। उसके बाद देखिए ये आपका A बन गया, राइट। क्योंकि उन्होंने पूछा है कि फिनोल रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट यूज ए, ये आपका ए बन गया। इसके बाद इसको रिएक्शन करना है Br2 से, Br2 के साथ रिएक्शन कराना है, आपको मालूम है कि यहां पे लोन पेयर है, तो ये आपका एक्विटी ग्रुप है एंड आपका पैरेलल भी मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, O ऐसा C डबल बॉन्ड O, O CH3 और यहां पे Br। अगर आप ऑप्शंस मैच करेंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, the major product of the following reaction is, the next आपका the major product of the following reaction is, और आपको दिया है ये वाला, ठीक, Br और यहाँ पे दिया है सोडियम मेथॉक्साइड NaOMe और यहाँ पे मिथेनॉल। अगर आप मिथेनॉल का ऐसे सॉल्वेंट ट्रीट करते हो तो आप देखेंगे दिस इज अ पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट और आप सोचेंगे यहां पे SNR होगी, लेकिन हमको ये भी देखना है कि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है और स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण यहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता, पीछे से सीधे किसी तरह के ग्राउंड में एलिमिनेशन रिएक्शन से जाना है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बहुत सिंपल है, ये ऐसा ये स्टीरियो लॉक है, आपका बेस आएगा फेरिस कोएमी और यहां का हाइड्रोजन है, ये बेस क्या करेगा इस एच को लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होंगे और ये ब्रोमीन निकल जाएगा, तो ये बनेगा पी डबल बॉन्ड यहां पे और यहां पे और आपका वहां निकलेगा यहां से, सिंपल यहां से निकलेगा NaBr, क्योंकि ये सोडियम और Br कंबाइन हो जाएगी और यहां पे मिथेनॉल बनेगा, मिथेनॉल, ठीक। और अगर आप SN1 सोचते तो होता क्या, SN1 सोचते तो होता क्या, बहुत सिंपल है, ऐसा होता, ये Br होता। और आप SN1 क्यों सोचे, क्योंकि आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, सोडियम मेथॉक्साइड था आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो होगा क्या पहले ये ऐसे निकल जाएगा यहां पे ड्यू टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और यहां पे आपका कार्बोकैटायन बनेगा प्लस, राइट। उसके बाद आपका कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा ऐसा यहां पे, और ये मिथाइल शिफ्ट होगी यहां पे, तो यहां पे प्लस और ये तृतीयक कार्बोकैटायन बना, और उसके बाद आपका कौन आने वाला है, मेथॉक्साइड यहां से ऐसा जाएगा और ये बनेगा यहां पे OMe और ये। आप देख रहे हैं यहां पे ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको दिया नहीं है, वो दिया नहीं हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी मोर करेक्ट, राइट। आप ऐसे सोचना भी मत, मैंने बस बता दिया कि ये गलत तरीका है, आपको पता होना चाहिए कौन सा गलत तरीका है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, दिया है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो देखो रिएक्शन में आपको ये रिएक्शन दिया है, ठीक है, बेंजीन रिंग है और गाइस ये ऐसा है और ये ऐसा है, और इनकी रिएक्शन करानी है अपने हाइड्रोड हाइड्राइड से और हीट कर, तो सिंपल देखिए रिएक्शन क्या होती है, तो देखो दोनों तरफ से रिएक्शन होगी, पहले ये प्रोटोनेट होगा ऐसे, मैं एक एक करके रिएक्शन बताना चाहता हूं, तो होगा ऐसे, ये आपका बेंजीन भी दिखा देते हैं ऐसा ऐसा O ऐसा, यहां पे आ गया आपका H, ये प्लस
मैं कितना क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं यहाँ से दिखा सकता, दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे देखिए पहला होगा प्रोटोनेशन, दूसरा होगा आपका देखो एक्स्ट्रा पेस्टो निकलना है यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए अगर मैं ये बॉन्ड क्लीव करता हूं ये वाला, तो मुझे एक कार्बोकैटायन बेंजाइल कार्बोकैटायन मिलता है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ठीक है। मुझे कौन सा मिलता है बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, सिंपल है। तो मैं ऐसे बॉन्ड क्लीव होगा ये यहां से यहां, देखो आपका ये हुआ ऐसा, यहां पे प्लस आएगा ये तो वैसे ही, और देखिए यहां पे देखो ये निकल रहा है बाहर मेथेनॉल CH3OH, और देखिए प्लस दिख रहा है, और यहां से कौन निकला था बोलो आपका आयोडीन माइनस, ठीक है माइनस ऑफ आयोडीन माइनस, आयोडीन माइनस बाकी ये आएगा, और गाइस यहां पे ऐसा अटैक करेगा और आपका ये बन जाएगा, यहां पे आके आयोडीन और ये तो ऐसे राइट, ये तो ऐसे ही बैठेगा, इसको भी रिएक्शन होगी, तो सिर्फ फिर से आपका हाइड्रोजन हाइब्रिड है, हाइड्रोजन हाइब्रिड एच आर, फिर से प्रोटोनेशन पहला स्टेप ऐसा और ये जाएगा, पहला स्टेप आपका प्रोटोनेशन है तो यहाँ पे ऐसा होगा ये आयोडीन और ये तो यहाँ पे एच और ये प्लस, और आपको मालूम है सेकंड स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना चाहते हो तो सिंपल है, तो क्या करेंगे आप इस बार अगर इस बॉन्ड को क्लीव करते हो, इस बॉन्ड को देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव करते हो बेंजीन, अगर ऐसे क्लीव करेंगे तो देखो ऐसा होगा ऐसा ये ऐसा, और बेंजीन प्लस आएगा, और आपको मालूम है बेंजीन पे प्लस हो या माइनस हो या रेडी करो पहला स्टेप के हो जाता है, इसलिए आपको ये बॉन्ड क्लीव करना पड़ेगा। अगर आप ये बॉन्ड क्लीव करते हो तो होगा ऐसे ऐसे होगा गाइस ऐसा आयोडीन यहाँ पे ओ एच इसे लोन पर मिल गया, और देखो यहाँ पे ये बनेगा ऐसा ये ऐसा यहाँ पर रहेगा माइनस, और उसके बाद कौन आएगा बोलो का ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे आयोडीन माइनस निकला था ये इलेक्ट्रॉन मोर ये आएगा ऐसा लगेगा और यहाँ पर बनेगा CH3CH2 तो देखिएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसे लिखना चाहिए ऑप्शन नंबर, अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा।